बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में बस अब से कुछ देर पहले जबरदस्त हंगामा हुआ है। मोहन बाहान और ईस्ट बंगाल क्लब के बीच मैच रद्द हुआ और उसके बाद दोनों क्लब्स के जो समर्थक थे वो बाहर आ गए और वो कोलकाता रेप कांड की निंदा करने लगे। दोनों ने साथ में हाथ मिलाया और एक का प्रदर्शन करने लगे। हंगामा हुआ स्टेडियम के बाहर, अफरा तफरी का माहौल हुआ स्टेडियम के बाहर। दोनों क्लब्स के सैकड़ों समर्थक वहां पर पहुंच गए और भीड़ बढ़ती गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर पुलिस बल पहुंचा और इसे हटाया गया, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए पुलिस प्रशासन ने इन समर्थकों को हटाया। पहले से ही लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया था और मोहन बागान ईस्ट बंगाल के बीच मैच था। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ हैं, जानकारी दे रहे हैं। ऋतिक बताइए। जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं देख सकता हूँ पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक्शन की जा रही है, पुलिस की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैंने उन समर्थकों से बात की जो कोलकाता को समझते हैं। मैं जिस तरीके से बता रहा था कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान कोलकाता के लिए एक इतिहास है, उनके रूह में लगे, रूह के लिए एक सेंटिमेंट है। और डर्बी मैच के दौरान जिस तरीके से मंजर पैदा होता है, इसमें पुलिस ने कहा उसके पास स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पर जो है तनाव फैलने की उन्हें रोका गया। ऋतिक कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। ऋतिक, ये जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के समर्थक थे, ये क्या मैच रद्द होने से नाराज थे या इनका पहले से प्रोग्राम था कि ये कोलकाता रेप कांड के लिए यहां पर प्रदर्शन करेंगे? देखिए, जिस तरीके से खबरें हमें मिल पा रही थी खासकर सोशल मीडिया थ्रू, क्योंकि जब इस मैच की तैयारी शुरू हो गई थी, डर्बी मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उस दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से जो उससे पहले ये नारा दी गई थी और सोशल मीडिया में काफी सारे कॉल्स दिए गए थे कि ये तारीख जो है ये दर्ज कर ली जाए कि इस तारीख पे हम स्टेडियम के अंदर जो है इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, जस्टिस की मांग करेंगे। पुलिस ने कहा कि किस तरीके की मंजर है, मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि इस मैच को कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल ये मैच आर्मी के तौर से, ये टूर्नामेंट जो है उनके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और इस तरह के की फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान ये डर्बी मैच यानी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच जो मैच है वो सबसे अहम और खास रहता है, उस पर सबसे ज्यादा आकर्षण रहती है। टिकटों की बिक्री हो चुकी थी लेकिन आखिर में जो थे उसको कैंसिल कर दिया गया था। और उस दौरान जो है हमने देखा पुलिस ने ये कारण दर्शाई कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो नहीं दे सकते, इसके लिए जो है इसको रद्द कर रहे हैं। उसके बाद जो देखा गया कि आज जब ये इसका खेल जो है रद्द कर दिया गया, उसके बाद जो है फिर भी जो कई सारे सोशल मीडिया पर जो समर्थक है वो इस तरीके की किनारेबाजी करने लगे। एक तो मैच के जो कैंसिल है उसको लेकर वो नाराज थे, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भले ही मैच कैंसिल हुआ है लेकिन विरोध प्रदर्शन कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक अलग आवाज जो है कोलकाता के मैदान से उठानी चाहिए। इसके कारण ये बुलावा दिया गया कि तमाम जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे और जुबिलार्थी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर वो यूनाइटेड हो और उसके बाद जो है वहां से वो प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस को भनक मिलने पर उन्होंने ये बात कही कि कई सारे सोशल मीडिया के जरिए और इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया है कि यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है उसके आड़ में एक दफा और यहाँ पर तनाव फैलाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि स्पेसिफिक इनपुट उनके पास था, इसके लिए इसको रद्द कर दिया गया। पहले तो गुजारिश की गई कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है गैदरिंग वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये कहा गया कि धारा 163 BNSS के वो लागू कर दी जाएगी, पाबंदी लगा दी गई और फौरन आनन फानन में यहाँ पर पुलिस की तैनाती और फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। और जैसे ही वहाँ पर 100 से ज्यादा, मैंने देखा है कि हजारों के करीब जो है वहाँ पर समर्थक दोनों फैन क्लब के वो जो एकजुट हो गए, तब उन पर जो है लाठियां बरसाई गई और डंडे बरसाए गए। पुलिस ने कई सारे लोगों को धर दबोचा।
ऋतिक बहुत धन्यवाद आपका। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। फिर से दिल्ली के दंगल में झारखंड की राजनीति की चर्चा काफी तेज हो रही है। राजनीति के केंद्र के किरदार में है चंपई सोरेन, नाम तो आपने जरूर सुना होगा। चंपई सोरेन को झारखंड के कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। कुछ महीने पहले तक चंपई सोरेन के हाथ में ही झारखंड की कमान थी, वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही पाला पलट गया और फिर से रेत की तरह चंपई सोरेन के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसल गई। लेकिन जो टीस दिल में थी वो लावा बन गई है, और अगर जो खबरें आ रही हैं वो हम बात माने तो इसी लावे को ठोस बनाने में बीजेपी जुट गई है। झारखंड में बड़ा खेला हो सकता है। सूत्रों की बात माने तो चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड विधानसभा की सूरत चुनाव के बाद बदल सकती है। लेकिन इन कयासों और इस राजनीतिक बाजार में ना तो चंपई सोरेन अपने पत्ते खोल रहे हैं और न ही बीजेपी कुछ कह रही है, बता रही है। सिर्फ गरजती आवाज जेएमएम की तरफ से है। अपने सेनानायक के बीजेपी में जाने की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोरदार हमला कर रहे हैं, आरोपों के तीर बीजेपी पर चला रहे हैं। एक खबर की गूंज दिल्ली से सटे हरियाणा में भी सुनाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही जेजेपी को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। जेजेपी का किला भरभराने लगा है। महज 24 घंटे में ही 4 विधायकों ने जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अभी इन चारों ने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, लेकिन क्या झारखंड की तरह हरियाणा में भी राजनीतिक गोटियां बिछाई जा रही हैं? क्या झारखंड और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति पूरी ताकत झोंक दी है? तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्लान में क्या है? आज इन्हीं मुद्दों पर, झारखंड हरियाणा की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन कह रहे हैं कि वो दिल्ली निजी काम से आए हैं, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। न रांची में सियासत करने वालों को यकीन हो रहा है और न ही दिल्ली में। एक बार फिर सुनिए, चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे तो अपने इस दौरे के बारे में उन्होंने कैसी व्याख्या की? देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और झारखंड के 7वें सीएम बने, लेकिन जुलाई में उनसे झारखंड की कमान छीन ली गई। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को सीएम पद से त्याग पत्र देना पड़ा था और पहले की तरह हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए, यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली। लेकिन चंपई सोरेन के मन में ये टीस हमेशा बनी रही। उसी को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत की गर्मी और नरमी देखने को मिली, लेकिन आज भी चंपई सवालों का जवाब डिप्लोमेटिक दे रहे हैं। देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई का मौजूदा बयान और धरातल से मिल रहे संकेत में तालमेल नहीं दिख रहा है। कई बार संकेत बहुत कुछ कह देते हैं। आपको जमशेदपुर ले चल रहे हैं, जहां चंपई सोरेन के घर से जेएमएम का झंडा गायब है, तो क्या इसे माना जाए कि वो पार्टी और सीएम से नाराज हैं? एक संकेत चंपई के सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिलता है, जहां पहले वो एक्स पर जेएमएम का जिक्र था, लेकिन अब जेएमएम शब्द ही हटा दिया गया है। लेकिन जेएमएम का कहना है कि बीजेपी डूबती नाव है, चंपई वहां नहीं जाएंगे। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपई दा का नहीं आ जाए या कुछ वीडियो कुछ ऑडियो वैसा आए जिससे कि ये प्रमाणित हो कि उन्होंने पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाने का मन बना लिया, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। तो चूंकि चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, अभिभावक के समान रहे हैं, हेमंत बाबू भी काफ़ी सम्मान करते हैं उनका, और डूबती नाव की सवारी चंपई बाबू ऐसा व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति कभी नहीं करते। जेएमएम के एक और विधायक की भी नाराजगी की खबर सियासी हवा में तैर रही है, लेकिन जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ऐसी खबरों को अफवाह बताते हैं। हम लोग
झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े और कई बार जेल भी गए, देशद्रोही का केस लगा, उसका बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और विषम गुरु सिंह शरण का नेतृत्व में हम लोग झारखंड अलग राज्य प्राप्त किए। आज कैसे हम लोग दूसरे को बता सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि जेएमएम छोड़कर चंपाई कहां जाएंगे। माना जा रहा है कि झारखंड में बड़ा खेला हो सकता है, चंपाई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो अंदर खाने सारी गोटियां बिछा दी गई हैं। यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने गोड्डा के कार्यक्रम में सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया, वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। चंपाई सोरेन जी हेमंत सोरेन जी का मंत्री सभा में है, वो एक बहुत ही बड़ी नेता है, मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। ऐसा क्या है कि चंपाई के बीजेपी में आने से झारखंड का समीकरण बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। दरअसल चंपाई का असर जमशेदपुर समेत कोल्हान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी में चंपाई शामिल होते हैं तो सरायकेला की 3, पश्चिम सिंहभूम की 5 और पूर्व सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों पर समीकरण बदल सकता है। यानी 82 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में 14 सीटों पर चंपाई सोरेन की पकड़ है। हालांकि झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी चंपाई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनके शामिल होने की खबर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चंपाई सोरेन पहले चंपाई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जनम रहा वाले, खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं दिया। इतना तो है कि चंपाई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा है। झारखंड में बेशक विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा की एक एक सीट पर कड़ी मेहनत कर रही है बीजेपी। जबकि हरियाणा में तो चुनाव के ऐलान के 24 घंटे में ही खेल हो गया। एक के बाद एक जेजेपी के 10 में से 4 विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हमारा काम जो है हम कर रहे हैं, फैसला लगेंगे करने एक के बाद एक जो विधायक चुनावी मौसम में करते हैं ऐसा, देख नई बात नहीं। अभी जो कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट जीतते नाम रहे हैं, वो भी इसी तरीके से भागेंगे। जेजेपी से रिश्ता खत्म होने के बाद बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ हरियाणा की सत्ता में है। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुकाबला दिलचस्प है। लोकसभा में झटके से उभरने का मौका है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का सुनहरा मौका है। आज तक ब्यूरो। नीलम जी, क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और अगर नहीं तो उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर से आपकी पार्टी जेएमएम का नाम क्यों हटाया, और अगर नहीं नीलम जी तो उनके घर से आपकी पार्टी का झंडा क्यों हटा? देखिए, आप लोग के माध्यम से सबसे पहले मैं सबको जोहार करना चाहूंगी। और जहां तक चंपाई चाचा जी का बात है, आप लोगों को जैसे पता है वो आंदोलनकारी रहे हैं, पार्टी के बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं। इतना बचपना मतलब उनमें नहीं होगा कि इतना बचपना से भरा वो कोई निर्णय ले लेंगे, क्योंकि झारखंड में देखिए जहां तक भाजपा का विषय है ना, भाजपा का कोई अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि उनके पास ना अपना नेता है, ना नीति है, ना कोई प्लान है। तो चंपाई सोरेन जी एक पुराने अनुभवी नेता है, वो इस तरह का बचपना
एक सेकंड, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह का हरकत वो नहीं करेंगे। हम लोग को जहां तक पता है चंपई सोरेन जी अपने काम से वहां गए हुए हैं, और ये जो अटकलें चल रही है, अफवाह जो बनाया जा रहा है, ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। वो कहीं पार्टी से नहीं जाने वाले हैं, वो पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ रहेंगे, और बहुत जल्द ये स्पष्ट भी हो जाएगा आप लोगों को। और दो बातें और पूछे हमने, वो भी बता दीजिए प्लीज नीलम जी। जी अच्छा, हाँ आपने कहा ट्विटर, देखिए ये सब अपना व्यक्तिगत मामला है। अब उनका ट्विटर से जेएमएम क्यों हटा, क्या उनके घर से झंडा क्यों हटा, हम तो बोलेंगे कि हो सकता है वो बड़ा झंडा लगाने वाले होंगे, इसलिए वो झंडा हटाए हैं ताकि उससे भी बड़ा झंडा लगा पाए, क्योंकि चुनाव आ रहा है अभी। और जहां तक ट्विटर का बात है, तो वो तो उनका व्यक्तिगत है, ट्विटर हैंडल उनके लोग करते हैं, किसी कारण से उसको अपना चेंज करना चाह रहे होंगे, कुछ अपना सेटअप में बदलाव लाना चाह रहे होंगे। घर से झंडा क्यों हटाया जी? झंडा वही तो मैं बताई ना कि झंडा हटाया नहीं गया है, हो सकता है कि जो झंडा पहले लगा हुआ था उससे भी बड़ा झंडा लगाना है, क्योंकि चुनाव आने वाला है जिसके कारण ये झंडा हटा होगा। और नीलम जी, और ट्विटर पर बीजेपी लिखना है इसलिए हटा दिया। ट्विटर पर क्या उन्होंने बीजेपी लिखा है? लेकिन हो सकता है ना, जैसे बड़ा झंडा लगेगा वैसे बीजेपी भी लिखा जा सकता है जेएमएम की जरा। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि अटकलें, देखिए कुछ भी लगाया जा सकता है, और अफवाह और अटकलें जो है ना उसका कोई अंत और सीमा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चंपई सोरेन जी पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ रहेंगे। ट्विटर में जहां तक उनका जेएमएम हटाने वाली बात है, मैं तो खुद देखी नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, अगर हटाए होंगे तो ट्विटर हैंडल देखिए डायरेक्ट चंपई सोरेन जी तो करते नहीं है, कोई भी नेता नहीं करता है, सोशल मीडिया के लोग करते हैं। वो किसी कारण से चेंज करना चाह रहे होंगे, कुछ होगा उनका मामला, लेकिन चंपई सोरेन जी पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। वो एक अनुभवी नेता है, अभी अभिभावक के रूप में वो पार्टी में रहते हैं, वो हमेशा हेमंत सोरेन जी उनको अपना अभिभावक माने हैं, पार्टी के वो बड़े नेता हैं, इसलिए वो इतना मतलब इस तरह से वो निर्णय नहीं ले सकते। हम लोग को पूर्ण विश्वास है वो जो दिल्ली गए हैं वो अपना व्यक्तिगत मामला या फिर बेटी से मिलने गए हैं, और उनका शायद अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में भी था, इसके लिए भी वो गए होंगे। जी नीलम जी, हमने दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि एक्स से उन्होंने अपना जेएमएम हटा दिया है, और दूसरा ये कि कोई भी सोशल मीडिया हैंडलर्स होते हैं वो अपने नेता से पूछे बिना कभी इस तरह का काम नहीं करते, मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा था। और दूसरा, बिटिया से मिलने तो हमेशा आते रहे हैं वो दिल्ली, पहली बार इतनी चर्चा हुई। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपके पास कोई जानकारी डॉक्टर साहब कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और अगर नहीं तो अगर मान लीजिए कल वो हो सकते हैं, इसकी कितनी संभावना, और बीजेपी उन्हें लेगी या नहीं, अंदाजा आपका? देखिए सईद जी, सबसे पहली बात, हम इस पूरे जो आप चला रहे हैं, मुझे तो इसी से ऑब्जेक्शन है कि ऑपरेशन लोटस से खेलेगा कमल। अरे क्या लोटस करने की जरूरत है हमें जी? अभी नीलम जी बोल रही थी, अभी लिटल नीलम जी बोल रही थी, बोली चाचा चंपई जी ऐसे नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत इज्जत दी है, फिर कहती उनकी हरकतें ऐसी नहीं होंगी। अब चाचा की हरकतें पे नजर रख रहे हैं, फिर चाचा चंपई भी कह रही हैं, फिर कहा कि बीजेपी की ना तो कोई प्लानिंग है। सही बात है, बीजेपी की कोई प्लानिंग नहीं है। मैडम हम तो प्लान ही नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा मुख्यमंत्री जेल चला जाए और हम दूसरे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद वो जेल याफ्ता सजा याफ्ता मुख्यमंत्री वापस आ जाए बेल लेके, तो हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता का अपमान करके उसको वापस मुख्यमंत्री से हटा के दूसरी मुख्यमंत्री बना दें वापस जेल वाले को। ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी सही में नहीं, नहीं नीलम जी, नीलम जी निवेदन, नीलम जी नहीं प्लीज आप बोलिएगा नहीं, नीलम जी आप प्लीज बोलिएगा नहीं, नीलम जी प्लीज बोलिएगा नहीं, नीलम जी आप प्लीज प्लीज, नीलम जी आपकी बात हो गई। मैं सभी से, आप सभी से निवेदन ये कर रहा हूं कि जब एक मेहमान बोले तो आप प्लीज मत बोलिएगा, सबको पूरा समय मिलेगा, प्लीज बीच में किसी को नहीं बोलना, आप लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए, जब आपका नंबर आएगा जवाब दीजिएगा प्लीज। क्षमा नीलम जी, प्लीज अब मत बोलिएगा बीच में। डॉक्टर साहब बात पूरी कीजिए। तो चंपई जी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या करेंगे, ना मैं भविष्यवक्ता हूं और ना मैं चंपई जी का प्रवक्ता हूं, ना मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से 1% की भी सिंपैथी है कि मैं इन सब जानकारी रखूं। ऐसी पार्टी बर्बाद हो रही है और निश्चित रूप से बर्बाद होनी है, 4 महीने की बात और है, क्योंकि 5 साल झारखंड की जनता ने झेल लिया, क्योंकि उसके पहले 5 साल झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा था,
जहां पे सड़कों का जाल था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैला था, जहां बिजली आ रही थी, जहां आदिवासी प्रगति कर रहे थे। आज क्या हो रहा है झारखंड में? आदिवासियों का मूल कन्वर्शन हो रहा है मुसलमानों में, जिस पे झारखंड हाईकोर्ट तक चिंता कर चुका और इस सरकार के कान पे जू तक रही नहीं रहती। सरकार द्वारा खुलेआम तुष्टिकरण अगर पूरे प्रदेश में हो रहा है तो तीन सरकार एकदम बिल्कुल नामित की जा चुकी है, झारखंड पहला, वेस्ट बंगाल दूसरा, केरल तीसरा, खुलेआम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। डेमोग्राफी चेंज बताती है कि कहां हमारे आदिवासी घट के 27% पे आ गए, और वो भी तब जब कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो ये सब तमाम बातें जनता के सामने हम लेके जाएंगे। और बाय द वे सही जी, मैं बता दूं आपको जी, जी। हर हालत में हमारे पास टाइगर रहे, हमारे पास लायन रहे, हमारे पास कोई रहे चाहे नहीं रहे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है जो हर गांव हर बूथ पर है। और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और सहयोगियों के साथ हमारा आंकड़ा 60 के ऊपर जाने वाला है। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि जितने मुख्यमंत्री आपने बदले हैं शायद किसी दूसरी पार्टी ने नहीं बदले। और आप अगर वो ज्वाइन करने का सोचेंगे हमारे भी नेतृत्व के पास ये बात आएगी, अगर ये बात आएगी तो नेतृत्व तय करेगा। अरे सिर्फ बता रहा हूं आपको, आप अगली बार। और दूसरी बात, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो हैं ही, चंपई सोरेन और जेएमएम के बिल्कुल नहीं है, तो वहां तो आप आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे डॉक्टर साहब? प्रतीक जी क्या हो रहा है ये? आप अलग हो गए, आपकी पार्टी बीजेपी से अलग हो गई, सत्ता से बाहर हो गए, और उसके बाद 24 घंटे में 4 विधायक आपके, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है हरियाणा के अंदर वो लगा, और ये जो विधायक थे जब हमारी पार्टी में आए थे तो उससे पहले भी किसी और पार्टी से हमारी पार्टी पे आके टिकट लेकर विधायक बने, शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वेट कर रहे थे ताकि तब तक तनख्वाह और तब तक पेंशन आती रहे। खैर वो बात अलग है। मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला कुछ चुनिंदा नेताओं में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इबारत खुद लिखी, किसी परिस्थिति से नहीं घबराए। जब 2018 में उनको उनकी पार्टी से निष्कासित किया गया तब उन्होंने झंडे और डंडे की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, साहस दिखाया, हरियाणा के लोगों से वादा किया कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो ये सब काम करूंगा। सरकार के अंदर आए चाहे माइनॉरिटी के पार्टनर थे, एक रेवोल्यूशनरी बिल लेकर आए जिसके अंदर हरियाणा के जो युवा हैं, जो लोकल बच्चे हैं, उनके लिए 75% रिजर्वेशन का प्रबंध किया, हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बैकवर्ड क्लास के लिए 8% रिजर्वेशन लेकर आए। हरियाणा में जो इंडस्ट्री पिछले 5 साल के अंदर आई वो कभी नहीं आई, मारुति ने अपना सेकंड प्लांट सबसे बड़ा खरखौदा के अंदर लगाया। देखिए एक बात कही जाती है कि राम अगर अयोध्या ना छोड़ते तो अयोध्या के राजा के सिवा कुछ नहीं होते, त्याग किया तो भगवान बन गए। दुष्यंत चौटाला भी सरकार में रह सकते थे, 11 मंत्री 11 मंत्रालय उनके पास थे, 11 डिपार्टमेंट थे और डिप्टी सीएम कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन जैसे मुद्दे के ऊपर साथ नहीं दिया, जो हमारा मेन चुनावी मुद्दा था कि हम 5100 रुपए तक पेंशन को लेके जाएंगे, जब उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, वहां तक नहीं हम पहुंच पाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। और आज जो बात है, लोग देखिए चुनाव का टाइम है सईद जी, लोग आएंगे जी। और जाएंगे, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये देखा जाता है कि हरियाणा वाले ये समझते हैं कि हाँ उनका अपना कौन है, और उनको पता है कि दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी आने वाले टाइम में कम से कम 40 साल की राजनीति है, एक युवा है जो वादे किए उसको पूरा किया। और एक बात आपके आज शो पे और बोलना चाहता हूं, बहुत लोग हमको कहते हैं कि आपने जो वोट मांगे 2019 में वो बीजेपी के खिलाफ मांगे, लेकिन आप बीजेपी के साथ क्यों गए? सहज जी मैं स्टेटमेंट आज दे रहा हूं, उस टाइम में जो सिचुएशन थी हमारे पास बीजेपी एक ऐसा पार्टनर था जिसको अगर हम सपोर्ट करते तो हम अपने लोग यानी कि हरियाणा के लोगों को जो वादा किया था वो पूरा कर पाते, हमको तब दोषी करार किया जाता है जब दुष्यंत चौटाला पार्टी गवर्नमेंट ज्वाइन करके काम नहीं करते। जो जो वादे पूरे किए 90% हमने काम पूरे किए, और आज भी सिर्फ इसीलिए छोड़कर गए, आज से हमको लगभग 7-8 महीने हो चुके सरकार से बाहर आए हुए, वो हम इसीलिए छोड़कर गए क्योंकि जो हमारे वादे हैं उनको प्रॉपर ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा था, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझा जा रहा था। अगर कोई सत्ता का मलाई खाना चाहता तो वो कंटिन्यू करता पूरी टर्म तक, लेकिन हमने उस सत्ता को छोड़ के और संघर्ष का रास्ता चुना, और लोग मेरे को लगता है कि लोग इस बात को जरूर सम्मान देंगे।
लेकिन प्रतीक जी दो बात यहाँ पर, अगली बार जब आपकी बारी आए तो इसका उत्तर दीजिएगा, तो क्या इस बार आपको वो संभावना जो बीजेपी में दिखी थी कांग्रेस में दिखाई दे रही है, आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रोफेसर साहब, दोनों जगह कांग्रेस अपने को झारखंड और हरियाणा में आज कहां देखती है, और क्या हरियाणा में ये चार विधायक जेजेपी के आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, झारखंड की जो घटनाक्रम आप दिखा रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम, ये स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, और ये कहावत है हम लोगों के यहाँ कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं उसी के कारण एक माहौल बन रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। भाजपा ठीक है कि इस चुनाव में हारने के बाद कुछ सबक ली होगी, हम लोगों को ऐसा लगता था, पर अभी भी वो हेराफेरी करने का प्रयास जरूर कर रही है, और ये दोनों राज्यों में स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। झारखंड की जो तासीर है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है भाजपा। देखिए किस तरह के षड्यंत्र, पहले उनको अपने जो ईडी सीबीआई का जो खेल रचा, उसके बाद साजिश षड्यंत्र किया, फिर उनको जेल डाला, अब प्रयास कर रही है कि सरकार से खत्म हो जाए। चुनाव की बात आई तो चुनाव आयोग को भी उसने किस तरह से कहा कि भाई रुक जाओ, अभी चार दिन पहले प्रधानमंत्री जी कितनी लंबी लंबी भाषण पार्लियामेंट लोकसभा के उस पे लाल किला के प्राचीर से दे रहे थे, 2 घंटे तक लगातार उन्होंने स्टॉप, बड़ा अच्छा लिखित भाषण दिया, तैयारी करके गए थे भाषण देने, 2-4 दिन लगता है उसी में तैयार किए होंगे, पर वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कंसेप्ट दे रहे थे, देखिए क्या हाल हुआ, क्या किया इन्होंने, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है और चार राज्य का इलेक्शन नहीं करा पा रही है चुनाव आयोग, क्योंकि ये इस तरह के साजिश रचने की जो है कहीं ना कहीं इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया आम जनमानस को कि ये करना क्या चाहती है। गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक में जिस तरह हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हमारे जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह से बदलने का प्रयास किया गया था, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित हो रहा है। पर यह भी सच है वहां की जनता कांग्रेस और जेएमएम के साथ है, आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा है, और पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह विकास की बात हुई है और काम हुआ है, कोई फर्क किसी के आने और जाने से कभी नहीं पड़ेगा। सीता सोरेन जी गई थी और दुमका में क्या हाल हुआ इनको पता है भाजपा वालों को। अब आते हैं जरा हरियाणा पर देख लेते हैं। देखिए, ये तो दोनों मौसेरे भाई हैं भाजपा और जजपा भाई, पहले एक यंग चेहरा लगा था कि दुष्यंत जी एक यंग चेहरा है, जब वो आए, हालांकि उनकी शुरुआत ही ऐसी हुई थी, परिवार को धोखा दिया था उन्होंने, उसके बाद जनता ने उनको जब वोट दिया तो उस वोटर को ही धोखा दे दिया जिसके विरुद्ध वोट दिया, उसी के साथ जाकर के ये सरकार में सत्ता में बैठ गए। किसान इतने बड़े आंदोलन होते रहे, किसानों पर लाठियां गोलियां चलती रही, लोग जान लोगों की ली भाजपा सरकार ने, कभी आवाज नहीं आई, बाहर नहीं आए, जब अंतिम टाइम में लगा है कि अब तो हाथ से जा रहा है सत्ता, वो भी आए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं और वहां की जनता समझ रही है, वो भाजपा की मिलीभगत है, इनको अलग करके प्रयास किया है कि एक विभीषण पैदा करके दिखाया जाए कि विभीषण, ताकि कम से कम वोटों का बंटवारा हो सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये चार लोग जो गए हैं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, आप खुद तोड़ करके यहां से वहां जा रहे हो, तो ये चार लोग भी इनके चले गए। ये सच है कि भाजपा अपनी सियासत करने में बाज नहीं आ रही है, लोकसभा में जनता ने इनको रास्ता दिखा दिया कि भाई तोड़फोड़, साजिश, ईडी सीबीआई संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बावजूद ये काम कर रहे हैं तो इस बार देखिएगा, चारों विधानसभा के चुनावों में देखिएगा ये हाल होने वाला है, पूरी तरह से पूरा ये नीचे जाएंगे, चारों राज्य से ये सफाया होगा, ये लोटस ऑपरेशन, लोटस नहीं, ये कीचड़ बन के रह जाएगा। आप चारों को लेंगे या नहीं, या कोई आना चाहे लोगों को? देखिए, आना जाना एक परिस्थिति यदि ऐसी हो, जो परिस्थिति उस तरह की हो तो जरूर हम बात करेंगे, लेकिन वैचारिक आधार पे होना चाहिए कोई बात, ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त दौर में आ जाएं फिर ये राजनीति करें, इस तरह से तोड़ फोड़ करें, पैसे कौड़ी का सब बात हो ही रहा है, ठीक है, मनी पावर, मसल पावर, ईडी सीबीआई जो इनके भाई हैं आलोक भाई के, सीबीआई की पूरी साथ चलती है, चुनाव आयोग भी पीछे पीछे अपना उसी हिसाब से रणनीति बनाता है, बहुत समय आपको, लोकतंत्र में नहीं चलता है, जनता देखती है, सब समझती। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, हम थोड़ा अधिक समय आपको देकर समझना चाहते हैं दोनों राज्यों के बारे में, क्या इस बार हरियाणा की जो स्थिति है या परिस्थितियां जो हैं सर, विनोद सर, वो 2019 से बदली हुई आपको नजर आ रही हैं? किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा इस बार रहेगा, और झारखंड में
क्या चंपई सोरेन अगर जाते हैं तो परिस्थितियां बदलेंगी या ऐसी ही रहेंगी? देखिए सईद, फेस्टिवल सीजन है ये, और फेस्टिवल सीजन में हम लोग मीडिया में हैं, हम जानते हैं कि बाजारों में, शोरूम्स में सेल लगती है सर। तो उसी तरह इलेक्शन सीजन में पॉलिटिकल सेल लगती है, पॉलिटिकल आना जाना, मतलब इधर से उधर कोई कहीं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हरियाणा में चार विधायक, पांच विधायक इस्तीफा दे करके अपना नया रास्ता तलाशे हैं, या झारखंड में जैसी अटकलें चल रही हैं चंपई सोरेन जी को लेकर के। तो ये सब इलेक्शन का जब सीजन आता है तो चुनाव के मौसम में स्वाभाविक बातें होती हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे थे आना जाना तो लगा ही रहता है, मतलब मुझे हंसी आई कि उनको भी इंतजार है कि आने वाले आ जाए तो अच्छा है। तो देखिए मुझे लगता है कि पहले हरियाणा की बात कर ले, फिर मैं झारखंड पे आता हूं। हरियाणा में पिछली बार 2019 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा थी, हंग असेंबली थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 40 विधायक थे उसके पास, कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी थी 31 विधायकों के साथ, और 10 विधायक लेकर के दुष्यंत चौटाला जी किंग मेकर की भूमिका में थे। दुष्यंत चौटाला जी पूरा चुनाव लड़े एंटी बीजेपी, उन्होंने नारा दिया था आपकी बार जमुना पार, उन्होंने कहा जमुना पार कर देंगे इनको, लेकिन जब चुनाव हो गया और उसके बाद उनका नारा बदल गया और वो बजाय जमुना पार करने के वो खुद भाजपा के साथ जाके सरकार में चले गए और लगभग 7 महीने पूर्व तक वो सरकार चलाते रहे। अब अभी हमारे मित्र जो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत सारा काम किया दुष्यंत जी ने, बहुत कुछ किया। अब या तो दुष्यंत जी का काम हरियाणा की जनता ने देखा नहीं, इसलिए लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई, राजस्थान में भी जाके विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। देखिए लोग आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इसकी तुलना करते हैं। और दुष्यंत जी ने 7 महीने पहले जब छोड़ा बीजेपी के साथ, तो जैसा कि अजय उपाध्याय कह रहे थे कि वोट बंटवारे की बीजेपी की रणनीति थी, या पता नहीं रणनीति थी या मतभेद थे, लेकिन ये जरूर था कि जरूर है कि अगर दुष्यंत जी लड़ेंगे तो कांग्रेस का जो भूपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस जो लड़ रही है और जो जाट वोटों का उसका एक समीकरण है उसमें हो सकता है कुछ नुकसान हो। लेकिन जिस तरह बड़े बड़े मुद्दे आए, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा था, उसमें दुष्यंत जी खामोश रहे, महिला पहलवानों के मुद्दे पर दुष्यंत जी खामोश रहे। तो ये हरियाणा के जनता के भावनात्मक मुद्दे थे जिन पर दुष्यंत जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब वो अलग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है उनका अधिकार है, अब उनकी पार्टी के विधायक अगर छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कुछ जमीन पर उनको महसूस हो रहा होगा कि भाई चीजें उनके हक में नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। भारत अब वो जाते किधर है, कांग्रेस में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, क्योंकि हरियाणा का चुनाव सीधा सीधा बाइपोलर होने जा रहा है। मुझे जो लगता है वहां सीधा चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं दोनों पार्टियां बिल्कुल बराबर पर छूटी हैं, 5 सांसद बीजेपी के जीते, 5 कांग्रेस के जीते। अगर 2019 से तुलना करें तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के 5 सांसद कम हुए और कांग्रेस के 0 से 5 सांसद बढ़े। तो ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दुष्यंत चौटाला जी इस लड़ाई में उनकी पार्टी अपने कहां खड़ा कर पाती है ये देखना होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा का। परिस्थितियां इस मामले में इसलिए भिन्न है क्योंकि 2019 में दुष्यंत चौटाला जी ने नई पार्टी बनाई थी, वो युवा थे, युवा हैं, उनके अंदर संभावनाएं थी, चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और एक स्टैंड लिया था जैसा लगता था कि प्रो हरियाणा स्टैंड उनका है और वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक स्टैंड लिया, लेकिन वो अपने स्टैंड पे कायम नहीं रह पाए। इसलिए इस बार 2019 जैसी परिस्थिति में नहीं देख रहा हूं मैं, बाइपोलर इलेक्शन देख रहा हूं। इसलिए झारखंड की जहां तक बात है तो झारखंड में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं सोरेन परिवार के, उनके रिश्तेदार भी हैं लोग कहते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं उसके बाद जब उसको हटाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं क्योंकि एक पावर सेंटर बन चुका होता है। यही स्थिति नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद हटाया तो आज जीतन राम मांझी की राजनीति हम सब देख रहे हैं। और चंपई सोरेन जी के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो जीतन राम मांझी बनने जा रहे हैं नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत आग तो होगी, कोई संपर्क तो उनसे हुआ होगा जरूर बीजेपी की तरफ से, भले अभी बात पूरी तरह बनी हो नहीं बनी है, क्योंकि सोशल मीडिया से अब हैंडल में से अपना जेबम हटाना, झंडा हटाना ये मामूली बात नहीं है। ये कहना झारखंड के प्रवक्ता का, जेबीएम के प्रवक्ता का कि नहीं नहीं वो झंडा बदलने वाला होगा इसलिए हटा रहे हैं, झंडा तो तब भी बदल सकता है जब आप पुराना झंडा हटा के नया झंडा तुरंत लगा दें अगर आपको बड़ा झंडा लगाना है।
तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है और अभी शायद अधपकी खिचड़ी है इसलिए चंपाई जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ना होता, अब वो कितना होगा कि नहीं होगा यह अलग बात है। और एक बात मैं कहूंगा, शायद इन्हीं घटनाओं से सबक लेके अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए अभी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद जेल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर किसी को बना देंगे तो दिल्ली में भी वही स्थिति पैदा हो जाएगी, फरवरी में वहां भी चुनाव होने हैं। तो जीतन राम मांझी का प्रयोग और चंपई सोरेन का प्रयोग एक ही संदेश देता है उन पार्टी के नेताओं को जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिनमें नेतृत्ववादी पार्टियां हैं, कि वो अपने अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर न बन देते। कांग्रेस और बीजेपी में ये होता है कि मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पार्टी स्ट्रांग होती है, पार्टी चलती रहती है और दूसरा मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया जाता है। झारखंड में, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात ने बदल दिए बीजेपी ने, जो अनुशासित पार्टी बड़ी पार्टी है तो इसलिए वहां। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, वन मैन पार्टी है, वन फैमिली पार्टी या रीजनल पार्टीज जो है, उनमें मुझे लगता है कि किसी को पावर सेंटर बनाया जाता है तो इस तरह की दिक्कत होती है और वही दिक्कत जेएमएम में आ रही है। अगर चंपई सोरेन पाला बदलते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड का परिदृश्य थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी झारखंड में है वो है और बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है, लेकिन बीजेपी की समस्या ये है कि वहां अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी दो नेता उनके पास हैं लेकिन उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो गवर्नर बनकर उड़ीसा चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी वहां नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, इसीलिए शायद चंपई सोरेन को लाके जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं जी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा आदिवासी नेता हैं लेकिन अभी भी आदिवासियों का ज्यादा बड़ा समर्थन वो जेएमएम के साथ है और खासकर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद उन्होंने अपने आदिवासी समर्थन को और ज्यादा एकजुट किया है। इसीलिए जो बीजेपी के जो क्राइसिस क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, जो बैकडोर वाले जी, डॉक्टर अजय आलोक जानते होंगे, उनको अलग कहेंगे नहीं क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, वो लोग जरूर इस मामले में कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे होंगे कि ऐसा करने से एक मैसेज जाएगा नेगेटिविटी का इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर के और साथ साथ आदिवासी वोटों में सेंध भी लगे सकेंगे। अभी कितना ये जेएमएम की भी विफलता होगी अगर चंपई सोरेन चले जाते हैं बीजेपी में अपने लोगों के साथ, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की निजी विफलता होगी कि वो अपने नेता को न संभाल पाने की। बिल्कुल सर, दोनों राज्यों के बारे में विनोद सर आपने बहुत स्पष्ट बता दिया, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर और बड़ा नुकसान जेएमएम को होगा, बड़ा फायदा हो सकता है बीजेपी को अगर चंपई सोरेन उनके साथ चले जाते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, इसी से मेरा प्रश्न और दोनों राज्यों के संदर्भ में सिर्फ एक बात का रेफरेंस देते हुए वो ये कि लोकसभा चुनावों में आपने बहुत सारे दूसरी पार्टी के लोगों को लिया, उन्हें टिकट दिया, लेकिन आपको बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को। डॉक्टर आलोक, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता में ये संदेश जाने लगा है कि जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनका आप विरोध करते हैं, जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं कार्यकर्ता, उन्हीं को आप लाते हैं, वहीं से खड़ा कर देते हैं, उन्हीं को सर आंखों पर बैठाते हैं और कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। क्या आप इन दोनों राज्यों में चार यहां हैं हरियाणा में और वहां पर चंपई सोरेन है, क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा या दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो चाहे आ जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सुप्रीम होता है और कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है या कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है। जब से ये पार्टी बनी है तब से यही परिपाटी चली आ रही है। स्थानीय कारणों और उस समय के कारणों के कारण अगर कोई पार्टी में आता है, किसी परिस्थिति में आता है, तो उसका यह मतलब नहीं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। मैं अभी आमतौर पर विनोद जी से हर बात पर सहमत होता हूं, लेकिन एक चीज विनोद जी मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके कांग्रेस लड़ रही है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक पोस्ट है 4 अगस्त का 8:08 सुबह में, लिखते हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह नीचता पे उतर आए, मेरे लिए मीठा जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपने संस्कारों का परिचय दे रहे, अभी तो केवल आपको बैनर से हटाया, अगर नहीं सुधरे तो जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। गजब भूपेंद्र सिंह के हुड्डा से के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है भाई। देखिए सईद जी, अगर सरकार एक गाड़ी होती है जो प्रदेश को आगे बढ़ाती है, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका चारों टायर पंचर है हरियाणा में, और इसी कांग्रेस, ये कांग्रेस झारखंड में स्टेपनी है। मेरे मित्र अजय उपाध्याय कह रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा,
अरे आदिवासी महिला राष्ट्रपति का खुलेआम विरोध करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, आज तक जीवन में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली पार्टी हमें कहेगी? दो दो आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में हमारे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ ओडिशा हमें आदिवासी का ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोला था आपने राष्ट्रपति को, आपके एलओपी में राष्ट्रपत्नी, ये आपका आदिवासी का सम्मान है? इसे सम्मान तो आप कृपया करके कांग्रेस पार्टी मुझे सिखाए ना। आज जो वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें हर जगह में, चाहे वो हरियाणा हो, हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, 7 महीने में उन्होंने छाप छोड़ी है, और ये छाप आप देखिएगा चुनाव में दिखेगा। कौन छोड़ के जाता है चुनाव में? बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, ये सब पार्टियों के साथ होता है, इसमें कोई हम विशेषज्ञ नहीं है, ना ही कांग्रेस को कोई कम महारत हासिल है। अब निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल होने के नाते हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि चुनाव पूरी शक्ति से लड़े, साम दान दंड भेदभाव सब कुछ लगाए, ये तो जनता के विवेक पे छोड़िए ना। लेकिन चुनाव के बाद फिर ईवीएम ले आइएगा, चुनाव के बाद फिर चुनाव आयोग ले आइएगा, जैसे कि आज वर्तमान मुख्यमंत्री ले ही आए चुनाव आयोग को कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है, सुन रहे थे आप उनका बयान, तो ये ना चलेगा। खिसियानी बिल्ली होकर खंभा नहीं नोचना चाहिए। अरे जनता की लोकतांत्रिक शक्ति में विश्वास है तो हार को भी उसी संवेदना से स्वीकार कीजिए जिस तरह से जीत में गर्व आता है। वो आप लोग की मिट्टी मर गई है, सारे विपक्षियों की। हम 400 का नारा देते थे, 240 पे आ गए, अभूतपूर्व जनादेश था, हमने जनता के जनादेश को सर झुका के स्वीकार किया। आप तंज करते हैं, आपको तो यह भी समझ में नहीं आता है, आप 99 के चक्कर में हैं, ठीक है, आप अभी भी पक्षी हैं, सत्ता में हम हैं, अरे देश की जनता ने हम पे भरोसा किया जी। लेकिन वाह, जब मती मारी गई हो तो कोई क्या कह सकता है। डॉक्टर साहब समाप्त कीजिए, समय थोड़ा सा कम है, याद रखिए पंचर टायर और स्टेपनी, यही है कांग्रेस, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब महाराष्ट्र और असम में किस पार्टी से आए मुख्यमंत्री आपके हैं ये शायद आप भूल गए, मैं आगे आता हूं। नीलम जी समय थोड़ा सा कम है, संक्षेप में नहीं, मैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जवाब दीजिएगा, नीलम जी का नंबर है, बारी उनकी है। नीलम जी 19 में भी बीजेपी का जो प्रतिशत था वो आपसे ज्यादा था, सीटें भले ही कम हो गई हो बीजेपी की थोड़ी सी, लेकिन वोट प्रतिशत आपसे कहीं ज्यादा था, और चंपई सोरेन चले गए तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है जेएमएम को? देखिए सही जी, सबसे पहले तो बोलूंगी कि यहाँ पे जब सबको बुलाते हैं तो सबको बोलने का समान मौका दीजिए। आप अभी से लेकर के दो बार आलोक जी को आप मौका दे चुके और हमको अभी दूसरे बार मौका मिल रहा है, सो भी पता नहीं आप कितने देर तक बोलने देंगे। देखिए जहां तक 2019 का चुनाव है, वोट प्रतिशत क्या था नहीं था उस पे मैं नहीं जाना चाहूंगी, अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा कीजिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो झारखंड की स्थिति है, भाजपा की स्थिति झारखंड में डामाडोल है, यहाँ पे यही कारण है कि देखिए आज केंद्रीय नेता जो एक फ्रंट लीडर बोलते हैं ना झारखंड में, उनके पास है नहीं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी बोलिए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के जो प्रतिपक्ष नेता बने हुए हैं अमर बावरी जी या फिर भानु प्रताप जी, ये सब बीजेपी से आए हुए हैं, इनके पास अपना नेता नहीं है, जिसके कारण ही दूसरे पार्टियों से नेता लेने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है, इसी में ये लोग फंसते भी हैं। आज देखिए लोकसभा का चुनाव में 5-5 एसटी रिजर्व सीट इन लोगों ने गवाया, उसके बावजूद भी ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी चंपई सोरेन की, नीलम जी समाप्त कीजिए, चंपई सोरेन जी के बारे में अटकले नहीं, देखिए सही जी आप बोलने का मौका दीजिए, आलोक जी जिस तरह का आरोप लगाए कि झारखंड में काम नहीं हो रहा था, आप उनको बोलने का तो मौका दीजिए जब यहाँ पे बुलाते हैं। तो आज पूरे झारखंड का लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में किस प्रकार से काम कर रही है। सरकार थी रघुवर दास के समय में जब सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल के माध्यम से सीबीएसई पैटर्न पे यहाँ पे स्कूलें चल रही है, बच्चियों को बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई का लेबर दिया जा रहा है, वहीं पे ये लोग एक तरफ राशन कार्ड बंद करते हैं, गरीबों का पेट में लात मारते हैं, वहीं पे हमारे मुख्यमंत्री जी 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ते हैं। समय की कमी, जिस प्रकार से पूरे झारखंड को योजनाओं से जोड़ा गया है, नीलम जी समय की थोड़ी सी कमी है और आप घर जाके नीलम जी शो को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अजय जी और आपका समय देख लीजिएगा, आपको अधिक ही समय मिला है। अजय उपाध्याय जी जल्दी से 30 सेकंड में सर, दोनों राज्यों में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? जरूर दोनों राज्यों में रणनीति, लेकिन इसके साथ स्टेपनी और उसकी बात किया इन्होंने, अरे बिहार में और महाराष्ट्र में सबसे छोटी पार्टी और आप बड़ी हैं और सबसे छोटे पार्टी के साथ पीछे घूम रहे हैं, कौन स्टेपनी है और कौन इंजन किसको हो रहा है, इसलिए इसमें कहने की जरूरत है। दोनों राज्यों में हम जनता के मुद्दों पर, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर और जिस तरह से
केंद्र सरकार की कुरीतियां हैं, 10 साल में जो जिस तरह न्याय हुआ है उसके उस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और दोनों राज्यों में हम जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रतीक जी, मैं माफी के साथ अजय जी रोक रहा हूं, प्रतीक जी इन चुनावों के बाद आप किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, अकेले रहेंगे, जनता को संदेश दे पाएंगे आज आप यहां पर, या जाएंगे किसी के साथ भी? सहज जी हम पिछले 10 दिन में लगभग दुष्यंत चौटाला जी 3 बार बोल चुके हैं कि जेजेपी की सबसे बड़ी गलती थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, हमारा राजनीतिक नुकसान हुआ है, हमें कांग्रेस के साथ भी नहीं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो पुत्र मैं बताता हूँ, वो पुत्र मुंह में लिप्त है, उनकी खुद की इन फाइटिंग पहले सुलझ जाए। कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, दीपेंद्र, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद।